हाँ ओके, तो मेरा फार्म सही तरह से काम कर रहा है एंड मेरे पास 3 स्टैक स्लैम के पास हो चुके हैं। ओके, तो मतलब अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, ये छोटा फार्म है बट फिर भी हाँ 3 स्टैक हो गए हैं। तो देखो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग सिटी आज, क्योंकि हमें अपने शॉप्स के स्टॉक भरना है एंड मेरे को अपने जो स्टॉक नहीं स्टोन शॉप को मतलब पूरी तरह से भरना है। तो बस मेन आज हम लोग का मेन टारगेट वही है, शॉप्स को स्टॉक करना, स्टॉक फुल करना, मतलब स्टॉक करना क्या होता है, स्टॉक को फुल करना। तो चलते हैं, राहुल गेम में ऑनलाइन आ चुका है। मैं राहुल को सबसे पहले बोलने वाला, मेरी एक्स वापस कर दे लौंडे। कल मैं और स्क्विडजल पीपी कर रहे थे तो गलती से चली गई थी मेरी एक्स राहुल के पास। ओके, मेरी इन्वेंटरी पूरी भरी हुई है, मुझे बस 2 शल्कर बनाना है, मतलब 2 शल्कर बॉक्स बनाना होगा। देन उसका बस रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो 2 शल्कर मेरे काम में आएंगे, उन्हीं में मैं अपने सारे चीज़ें फुल करूँगा, उन्हीं में स्टोन वस्टोन भर कर मैं ले जाने वाला हूँ अपनी शॉप्स में, क्योंकि मुझे शॉप स्टॉक करना है, मतलब भाई शॉप स्टॉक नहीं, मतलब शॉप्स के स्टॉक फुल करने हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ सुबह से। ओके, तो मेरे को 2 बनाना है तो 4 लगेंगे। और पीछे कहते ट्रेन चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब क्या नशे चढ़ रहे हैं उनके। ओके, तो मेरे 2 बन गए, 1 2 एंड यहाँ। ओके गाइज, हमारे बच्चे अदब आ चुके हैं। बाय द वे, आज राहुल का बर्थडे है, मतलब यस आज 2 मई है, मतलब ये रिकॉर्ड जब भी हो रही है 2 मई की है, तो आज राहुल का बर्थडे है, राहुल आ चुका है एंड मेरी एक्स भाई जो उसके पास रह गई थी एंड इसे पता भी नहीं चला था कि मेरी एक्स है, ये कुछ सोच रहा है बेचारा, पीछे से मार दूला भाई। नहीं नहीं नहीं, वो बेचारा रो देगा कि वो बच्चा आता है। ओके, मैं हम टाइम पास नहीं करते, हम जाके अपने शॉप्स के लिए जल्दी से स्टोन भरना स्टार्ट करते हैं, इस पर स्टोन एंड बाकी चीज़ें। हाँ, तो सबसे पहले मैं कॉबल स्टोन भर देता हूँ। कॉबल स्टोन की प्राइस मेरे शॉप में मैं रखने वाला हूँ 1 डायमंड के 5 स्टैक कॉबल स्टोन, 1 डायमंड दो 5 स्टैक कॉबल स्टोन लो, ये प्राइस रहेगा। ओके, राहुल कह रहा है कि पार्टी के डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए, तो ठीक है, इसके पार्टी है आज शाम में लास्ट में, तो उसकी डेकोरेशन के लिए इसमें हेल्प कर देते हैं हम लोग उसकी। तो गाइस देखो, मैंने दोनों शल्कर भर करके अलग अलग टाइप के स्टोन्स एंड स्लैम एंड रेड स्टोन ले लिए हैं एंड अब मैं जा रहा हूँ हमारे प्यारे बच्चे यादव के पास, बिकॉज हमें पहले वहाँ जाके डेकोरेट कर देना है उस जगह को अच्छी तरह से, उसके हेल्प कर देने पार्टी के लिए एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग सिटी। तो चलिए, अच्छी बात ये है, एक तरह से काम हो गया, मतलब आज एक चीज़ हम नहीं करेंगे, 2-3 चीज़ें करनी होगी हमें, तो जाके सबसे पहले देखते हैं। एंड में भी उसने डेकोरेशन पहले से कर रखी है, मतलब हाँ वो इतना आलसी बच्चा नहीं है, ठीक है, मानता हूँ वो बच्चा है लेकिन आलसी बच्चा नहीं है, वो एक काम करने वाला बच्चा है, ही इज़ ए बिजी बच्चा, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा उसे। ओके, तो हम आ चुके हैं। ओके, इसने यहाँ एक छोटा सा पात, एक बच्चा यादव का सर, बच्चा यादव का दूसरा सर, तो यहाँ बच्चा यादव ने अपने बच्चे के बचपन के टकले लगाए एंड ये कस्टम ट्री इसने सही तरह से कस्टमाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, हम कर देंगे अच्छी तरह से। ओके, तो ये रहा हमारा प्यारा बच्चा यादव भाई, कहते बीकन लगा के बैठा हुआ है, लौंडा अमीर आदमी है भाई। तो अच्छा, यहाँ ट्रैप डोर्स रखे, ये मैं हमारे डेकोरेशन में काम आएगी, एंड कहते बैकग्राउंड से घटिया आवाज़ें आ रही है। इसने टनल टाइप बनाया है, यहाँ स्टोरेज रूम बना रहा है क्या मे बी। ओके, तो ये रहा, तो गाइस चलिए इसे कस्टमाइज़ करते हैं एंड हम मिलते हैं आपसे टाइम लगे बाद।
ओके गाइस, तो ये बन चुका है ये एरिया एंड देख सकते हो बाहर वाला राहुल ने और ये वाला मैंने बनाया एंड मैंने और एमएन भी आया था डेकोरेशन के लिए थोड़ी, मतलब उसने हर तरफ केक लगा दिया, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये रहा राहुल, राहुल मैं इसको देख के इतना भाग इसलिए रहा है कि मैंने अभी इसे लावा में ढकेल दिया था, इसकी फटी पड़ी है बेचारे बच्चे की काम करता हूँ, इसके ट्रैप बनाता हूँ, उसने देख लिया बच्चे यार मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं गाइस चलता हूँ मैं जल्दी शॉपिंग सिटी के लिए। ओके गाइस, तो हम शॉपिंग सिटी आ चुके हैं, आते वक्त मुझे स्क्विट्जलम यूवी ये लोग मिले थे एंड मैंने इन्हें अपनी बुक्स जो है सेल कर दी, बुक्स एंड शल्कर्स उन्होंने खरीदे मेरे से। तो जब मेरे पास डायमंड्स भी अभी हो गए अच्छे खासे, वैसे मेरे पास अच्छे खासे पहले से थे बट अब और हो गए हैं। एंड ये रही इसकी मतलब की चेस्ट, ओके मतलब इस पे डायमंड ब्लॉक नहीं रखा हुआ है एंड क्योंकि यहाँ रूल है ना, हर एक एक शॉप को डायमंड ब्लॉक पे करना होता है, बट इसने यहाँ पर नहीं रखा, मे बी इसने लगा दिया होगा बीकन या कहीं पर। तो चलते हैं एंड आज हम लोग का काम, सबसे पहला काम तो अपनी शॉप को स्टॉक को फुल करना है एंड उसके साथ एक और काम है यार, मैं नीचे क्यों गिर रहा हूँ, एंड दूसरा काम ये है कि हम लोग को साड़ी शॉप्स को चेक करना है कि उनकी इनकम हो रही है कि नहीं, उसके स्टॉक कितने भरे हैं एंड उसके इनकम के हिसाब से टैक्स का रूल जो अप्लाई होने वाला है शॉप्स टैक्स। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि ये टैक्स रूल क्या है तो मैं बता देता हूँ, टैक्स रूल मतलब इस हिसाब से चलता है, दो तरह से चलता है, एक होते हैं एक्सपेंसिव शॉप्स की टैक्स चलते हैं, लाइक जो एक्सपेंसिव चीज़ें बेचते हैं लाइक इलेक्ट्रा नेदर मतलब नेदर स्टार या बीकन एंड टोटम, ये तीन जो शॉप्स होती है इन शॉप्स की टैक्स बहुत हाई कटते हैं, लाइक इन लोग को हर एक एक मटेरियल मतलब एक एक आइटम सेल करने में गवर्नमेंट को एक मतलब दो डायमंड पे करने होते हैं, लाइक अगर इलेक्ट्रा वाले ने एक इलेक्ट्रा सेल की तो उसे दो डायमंड गवर्नमेंट को देने होंगे पर एक एक पीसेस पे। एंड वही बाकी जो नॉर्मल शॉप्स हैं उनका ऐसे होता है कि वो जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसका 10-20% इनकम मेरा प्रॉफिट उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके यहाँ मैं आप लोग सोच रहे हो कि मैं स्लाइम क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा एक स्टैक स्लाइम ब्लॉक मतलब स्लाइम के पीसेस अगर मेरे शॉप से परचेस करता है, एक स्टैक अगर स्लाइम लेगा तो वो यहाँ से हेड ले सकता है, एक हेड मतलब एक स्टैक के साथ एक हेड फ्री है। तो आओ यार सबको खरीदो यार, सस्ते हैं स्लाइम ब्लॉक यार, सिर्फ एक स्टैक दे रहा हूँ एक डायमंड में, इतना सस्ता है यार, सबको ले लो बस इतना कम प्राइस में गाइस, एंड आप लोग को फ्री में एक हेड भी मिलेगा स्लाइम का अगर खरीदते हो तो जितने लॉस्ट मेंबर देख रहे हो खरीद लो यार, इतनी कंजूसी मत करो, स्लाइम काम की ही चीज़ है, लाइक कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाय द वे हमारी ज़्यादातर शॉप्स यहाँ पर स्टॉक से चलती है, ओके मतलब ऑर्डर से चलती है, स्टॉक क्या, ओके तो ये इसे यहाँ पर रखो एंड मेरे कुछ और सेल हुए हैं रेड स्टोन के ब्लॉक्स तो इसे रख देते हैं, 15 डायमंड हो चुके हैं इस पर एंड ये रही स्टोन का, इसे भी रखते हैं नीचे। ओके तो ये रही मेरे मतलब स्टोन के लिए, यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो स्टोन, जितने लॉस्ट नंबर यहीं से खरीद सकते हैं आराम से। तो अब मैं इनमें जल्दी से भरना स्टार्ट कर देता हूँ कॉबल स्टोन, बाकी चीज़ें सबसे पहले मैं कॉबल स्टोन भरूंगा, कॉबल स्टोन की सिंपल प्राइस मैं रख रहा हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा महंगाई मैं मतलब विश्वास नहीं रखता, मैं महंगी चीज़ें नहीं करता मतलब बेचता, घुसखोरी हम नहीं करते हैं तो हम मतलब इस हिसाब से रखने वाले हैं, एक डायमंड में 5 स्टैक बेचेंगे कॉबल स्टोन एंड नॉर्मल स्टोन एक डायमंड में 3 स्टैक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके अब भरते हैं पूरी तरह से। ओके तो ये रखने वाले लिखेंगे हम यहाँ पर एक डायमंड इज इक्वल टू 5 टैक कॉबलस्टोन लिखना ज़रूरी है, अगर मैं नहीं लिखता हूँ बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे सारी की सारी स्टोन की वही प्राइस है। एंड बाकी चीज़ें ही भरता हूँ, लाइक यहाँ पर इसका प्राइस होगा, ये एक डायमंड प्लेयर्स 3 स्टैक ले सकते हैं, मैंने अभी इसे पूरा नहीं भर रहा हूँ बाद में भरूँगा, एक डायमंड में ये बंदे ले सकते हैं 3 स्टैक एंड स्टोन और डायरेक्ट करके कुछ एक और चीज़ होती है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, इसकी ये पॉलिश वायद ये बाय द वे पॉलिश्ड है तो इसके भी एक डायमंड में 3 स्टैक खरीद सकते हो आप लोग जब भी चाहो डायरेक्ट। एंड एक और सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप ऑर्डर दोगे तो ज़्यादातर शॉप्स क्योंकि ऑर्डर पर चलती है, लाइक आपको कुछ भी बाय करना होता है तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है, यहाँ पर शॉपिंग सिटी का एक ये है
तो आप लोग ज़्यादातर शॉप्स में इसी वजह से स्टॉक नहीं है, प्लेयर्स कुछ न्यू प्लेयर्स नहीं समझ पाते हैं कि शॉप्स में स्टॉक क्यों नहीं भरा हुआ है, एंड बाद में हमें आ करके बोलते हैं कि सर जी स्टॉक नहीं भरा हुआ है, गोली से मार दूंगा। भाई हमें धमकियाँ देते हैं भाई, हम तो भाई कर्मचारी है यार, बच्चों पे यार थोड़ा दया किया करो यार, हमें क्या पता वो क्यों नहीं भर रहे स्टॉक, वो कैश ऑन डिलीवरी करना पसंद करते हैं वो शॉप वाले। हमारी शॉप देखो ना स्टॉक फुल रहता है, मतलब फुल तो नहीं रहता बट हाँ भरा रहता है, जो रहता है थोड़ा मोड़ा सही बट रहता है। तो हमें मत बोला करो यार, हम एक छोटे से स्केलेटन खानदान से बिलोंग करने वाले कर्मचारी है। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ इसके मतलब कि यहाँ पर शॉप में, मैं बाकी शॉप्स के कर रहा हूँ। ओके, ये जो कंक्रीट शॉप जो ये है ये आउट ऑफ स्टॉक है, एंड अभी तक ये स्टॉक नहीं भरा है इसने, बल्कि अब इनके पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं स्टॉक भरने के, एंड ये रहा रवि एंड इनकी शॉप। तो ज़रा यहाँ पर देखते हैं इनका फ़िलहाल क्या चल रहा है। मैं अंडर चेस्ट क्यों खोल रहा हूँ। ओके, काम करता हूँ। इन्होंने कहीं भी क्राफ्टिंग टेबल नहीं रखा जो मैं ये बना सकूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं रखा तो मुझे यहाँ क्राफ्टिंग टेबल रखना होगा। यार रखना चाहिए अगर अभी सर, क्राफ्टिंग टेबल एक रखना ही ज़रूरी है गाइस, मतलब रूल नहीं है बट ज़रूरी है यार, बंदों को जरूरत पड़ जाती है, अब थोड़ी ना वुड लेके घूमेंगे हम। ओके, मैं यहाँ फ्री में, रवि सर देखिए मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, फ्री में क्राफ्टिंग टेबल आपको दिया मैंने, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा फर्ज था। ओके, तो टोटल 141 ब्लॉक्स हो गए एंड 15, तो अब मेरे 142 ब्लॉक, मैं 1000 डायमंड के काफ़ी करीब हूँ, मतलब 1000 डायमंड कंप्लीट कर करने के काफ़ी करीब हूँ। देखना है कितने दिन में मेरे 1000 डायमंड्स के ब्लॉक, नहीं यार मतलब डायमंड्स के 1000 डायमंड ब्लॉक्स, नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी ब्लॉक करने में। ओके, मतलब इनके शॉप पे अभी तक कुछ भी सेल नहीं हुआ, मतलब स्टॉक करने के बाद इन्होंने स्टॉक फुल कर दिया है एंड उसके बाद कुछ भी सेल नहीं हुआ है। एंड शूम लाइट का मैं देखूँ, मैं बाद में आऊँगा शूम लाइट खरीदने। ओके, एक स्टैक का 5 डायमंड, एक स्टैक का 4 डायमंड, स्टैक का 5 डायमंड, ये वाली चीज़ का, और इसका 4 है, तो क्वार्ट्ज़ के ब्लॉक है, नाइस। ओके, तो ये नेदरराइट में सोच रहा हूँ कि नेदरराइट खरीदूँ, नेदरराइट खरीद सकता हूँ बट मेरे को काफ़ी दर्द हो रहा है डायमंड वेस्ट करते हुए। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोगों ने कई सारी चीज़ें की, लाइक मैं गया था राहुल के बेस पे उसकी हेल्प करने के लिए, एंड देन उसके बाद मैं गया सारी शॉप्स को, मतलब अपनी शॉप को, शॉप के सारे मटेरियल्स को स्टॉक किया, स्टॉक को फुल किया, आई मीन मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं पता नहीं बट मैंने वो किया, एंड देन उसके बाद सारी शॉप्स की चेकिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इसके साथ साथ टीम डिकॉन्स का एंड लास्ट एसएमए डिस्कॉन्स पर ज्वाइन कर दीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।